अब किसी को बताना नहीं, ये हमारा दूसरा गप है, ठीक है गुरु। क्या करें, चिंता होती है, ये मुझे पता था जब स्टार्टिंग में मैंने भी गाड़ी ली थी ना, तो कैसे चिंता कि यहाँ प्रॉपर फिटिंग आ रही है कि नहीं आ रही है। Hey guys, good morning, welcome to another vlog. So guys, आज का vlog फिलहाल गाड़ी से स्टार्ट कर रहे हैं। मैं और गौरव निकले हैं आज जम्मू के लिए, क्योंकि गाड़ी की सर्विस करवानी है, फर्स्ट सर्विस। मतलब कितनी देर हुई गाड़ी ले हुए? दो दिन, चार दिन हो गया। चार दिन गाइस, मतलब मुझे लग रहा है उधर पूछेंगे भैया को, ये पहला बंदा होगा मतलब गाड़ी लिए हुए, मतलब तीसरे की चौथे दिन ही जा रहे हैं सर्विस करवाने, फर्स्ट सर्विस। मतलब चला दी इसने, एक हज़ार रुपये होती है ना पहले, एक हज़ार इसने चला लिया है, ठीक है। अभी फिर उसके बाद गाइस और भी बड़े सारे प्लान्स हैं, वो आपको आगे आगे दिख जाएंगे। सो अभी जल्दी से पहले तेल रिफिल करवाना है इसने, तो तेल रिफिल करवा के फिर निकलते हैं। ब्रो देख, दिल्ली से मतलब टीम आ रही है, तो कैसे सफाइयाँ चल रही हैं एनएच की? भाई एक दिन ऐसा ही विजिट मतलब हर महीने चाहिए ना गौरव? बिल्कुल, मतलब हर महीने अगर ऐसा विजिट होना तो फिर मज़ा आए, मतलब हर महीने रोड ऐसे साफ ही दिखे। मतलब अभी दिल्ली की टीम आ रही है तो रोड ऐसे साफ हो रहे हैं, नहीं तो गंदी पड़ा होता है। फाइनली पहुँच गया यार, और काफ़ी थक गया हूँ मैं। तो कितना टाइम लगा हमें? डेढ़ घंटा लग गया गाय, ठीक है। वैसे पहले आज ट्रैफिक नहीं था इतना ज़्यादा, मैं तो यार बड़ा ज़्यादा ट्रैफिक रहता, मैं मेरा तभी मन नहीं करता जम्मू आने को। और यार बैक पेन भी है थोड़ी सी, एक्चुअली दो दिन से फीवर था यार मुझे, तो तभी बस पहुंच गया। अभी करवाते हैं, देखते हैं अभी कितना टाइम लगता है यहाँ पे सर्विस वगैरह कराने में, फिर निकलते हैं। तो गाइस फिलहाल यहाँ पे लगने वाले हैं 2 घंटे, और तब तक गौरव ने स्पेशल मंगवाई है यहाँ पे मेरे लिए काफ़ी, सो थैंक्स अ लॉट गौरव यार। सो काफ़ी पीके देखते हैं, फिर टाइम पास करते हैं आगे पीछे और फिर निकलते हैं। और जाना फिर पता कहाँ जाना, हमने बाद में बताता हूँ, ठीक है। गाइस ये स्टारबक्स की काफ़ी फ़िलहाल गौरव की तरफ से है, जो पीते हैं यार। आपको बता दूँ, किसी को बताना नहीं, ये हमारा दूसरा कप है, ठीक है गौरव। क्या करें यार, 2 घंटे लगने हैं तो फिर क्या करें, काफ़ी पीते हैं तब तक। बस फाइनली 2.5-3 घंटे बाद जाके फ्री हुए। सो अभी फ़िलहाल हम निकल रहे हैं तिरुपति बालाजी के मंदिर, क्योंकि यार काफ़ी देर से मैं सोच रहा था कि जाने को, क्योंकि लगभग ना मैंने अपने ब्लॉग्स में ऑलमोस्ट सारे मंदिर कवर किए हुए हैं अपने। जब मतलब मैंने ब्लॉग स्टार्ट करने थे ना, तो मतलब मैं ट्रैवल ब्लॉग से ही स्टार्ट किया था, तो लगभग सारे मंदिर कवर किए हुए थे। बाकी आपको ये भी नहीं आइडिया होगा कि हमारे जम्मू में बलराम जी का मंदिर भी है, पता आपको? मतलब बड़ा रेयर होता है, एक शायद वृंदावन में है, दूसरा हमारा J&K में है, वो भी कवर किया हुआ मैंने। वो आपको ना रघुनाथ टेम्पल वाला जो है ना मेरा ब्लॉग, उसमें एंड में दिखेगा। सो अभी बस निकल रहे हैं, क्योंकि यार पहले तो कोई साथ नहीं मिल रहा था कि किसके साथ जाऊं, तो फाइनली गौरव आया हुआ घर पे। सो चलो हो आते हैं, बाकी आपको भी करवाते हैं तिरुपति बालाजी के दर्शन। सो अभी बस निकल रहे हैं, लेकिन ट्रैफिक आपको पता है जम्मू का ट्रैफिक। सो अभी कितना यहाँ से दिखा रहा है ये 7.5 किलोमीटर। सो अब सीधा मंदिर ही मिलता हूँ आपको। पहुँच गए फाइनली, अब यहाँ से मैं पास ही थोड़ा ऊपर, चलो यहाँ से ही। ये टेम्पल इतना खूबसूरत दिख रहा है, मैं क्या बताऊँ। चल गौरव आगे। और यार ये फ्रंट है, मैं क्या बताऊँ यार इसकी खूबसूरती ना, मैं आपको इस कैमरे में बता नहीं सकता मतलब क्या। ये फ्रंट गेट है, और यहाँ पे आते ही सबसे पहले आपको गणपति भगवान के दर्शन होंगे। जय हो गणपति बप्पा मोरया। और अंदर शायद कैमरा लो नहीं होगा। अगर आपको डोनेशन करनी होगी, पुष्प सेवा वगैरह सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। लोकेशन भी अच्छी है, देख इधर से सिटी का व्यू। बस दर्शन वगैरह हो गए, और अभी फ़िलहाल निकले हैं घर पे नहीं, मतलब अभी फ़िलहाल गौरव ने मतलब एक्सेसरी वगैरह देखनी है गाड़ी के लिए,
बाकी यार कैमरा लो नहीं था अंदर, ठीक है, बाकी जितना हो सके मैंने आपको मंदिर दिखाया। बाकी अगर आपने सही में इसकी ब्यूटी देखनी है इस मंदिर की, तो वो आपको टाइम निकाल के यहाँ पे आना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी निकल रहे हैं सीधा आप। तो गाइस फिलहाल हम फंस चुके हैं नरवाल में, यहाँ पे जाम ही जाम है। ये देखो ये चिंता होती है, ये मुझे पता था जब स्टार्टिंग में मैंने भी गाड़ी ली थी ना, तो कैसे चिंता है कि यहाँ प्रॉपर फिटिंग आ रही है कि नहीं आ रही है। ये मैं समझ सकता हूँ तेरी जो चिंता ना। ये तो गाइस टाइम फिलहाल हो रहा है 5 बज गए और अभी जस्ट फ्री हुए, मतलब यहाँ पे रुके थे बेकरी वगैरह कुछ लेने, तो यहीं पे फिलहाल कोल्ड ड्रिंक थोड़ा सा कुछ खा लिया क्योंकि बड़ी ज़्यादा भूख लगी है। हमने रुकना है जिरदारा ढाबा, तो सोचो उससे पहले थोड़ा सा कुछ हो जाए, तो अभी बस निकल लगे, खा पी लिया अपना जैसे थोड़ा सा, और घर शायद आज लेट ही पहुँचूँगा और जिम आज कैंसिल हो जाएगा जिम जाना, तो अभी निकलते हैं यहाँ से। बस क्या बताऊँ यार, पूरा दिन आज मस्त हो गया यार, काफ़ी देर हो गई, 5:30 हो गया अभी, और पहले तो मतलब मंदिर वगैरह गए ना, फिर उसके बाद पूरी एसेसरी डलवाई, एसेसरी भी काफ़ी डलवाई गौरव ने, मेरी बस हो गई है, बट गौरव तेरी मेरी भी यार गौरव डेली का काम है, गौरव का डेली का मतलब गौरव चलता रहता है आगे पीछे ट्रैवल करता रहता है, बट मेरा मन नहीं करता यार आजकल ट्रैवल करने का, पता नहीं क्या चक्कर हो गया। सो अभी बस ठंडी खुई रुकेंगे हम, चाय शाय पियेंगे, फिर उसके बाद सीधा घर पर निकल जाएंगे, और मुझे चाहिए रेस्ट, पता नहीं क्यों बड़ी ज़्यादा नींद भी आ रही है, तो अभी बस चाय पियेंगे ठंडी कुएं से, फिर चले जाएंगे घर पे सीधा। ठीक है गाइस पहुँच गए फिलहाल घर पे, और देखता भी क्या सीन रहता है अब बताओ ना, अब शायद यार भैया ने कोई काम बोल देना कि ये यहाँ पे जाना है। चलो ठीक है गुरु, बाय 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 बाय। तो गाइस घर पहुँचने के बाद थोड़ी सी यार रेस्ट ली थी, अभी जस्ट फ्रेश हुआ और डिनर फिलहाल मम्मा ने रख दिया आगे, अब अभी जस्ट डिनर करने लगा, और आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पर ख़त्म। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो लाइक कर देना गाइस, चैनल पे नहीं आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, बाकी मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।